जिस डिफॉर्मेशन हो रहा है ये ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन अभी भी है दो प्लेट्स के बीच में टकराव लगातार है बना हुआ है सिल्कियारा एरिया है आपके इसके बिल्कुल करीब फॉल्ट लाइन दिखाई गई है करके ये काफी ओल्ड मैप है और ये स्ट्रक्चरल मैप हम लोग कहते हैं इसको बनाया गया है तो फॉल्ट लाइन यहाँ पे मार्क की है लेकिन ये कितनी एक्टिव है वो जानना बहुत जरूरी है लेकिन अगर ये हुआ है हादसा

क्या कहती है आईटी कानपुर की स्टडी की इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं और स्पेसिफिकली ये टनल वाला हादसा क्यों हुआ क्या जो ये, ये जो इनकी जो टनल है वो सिल्किरा से आ, आ ये आपका है इनका बारकोट एरिया है जो कि जो मैंने पढ़ा है करके लेकिन अलाइनमेंट क्या है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन जो स्टडीज़ होनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि हुई होगी लेकिन कितनी डिटेल में हुई है वो हमको नहीं पता यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हिमालय जैसे कि मैंने मैं कहूँगा कि काफी फ्रेजाइल माउंटेन है काफी यंग माउंटेन है और ये जिस डिफॉर्मेशन हो रहा है ये ऑन गोइंग डिफॉर्मेशन अभी भी है दो प्लेट्स के बीच में टकराव लगातार है बना हुआ है तो आम लोगों को ये समझना होगा कि ये बहुत ही फ्रजाइल एरिया है और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर बहुत हेवी रेनफॉल हो जाता है तो अमूमन हम लोग ने ये देखा है कि बारिश के बाद ही आपका लैंडस्लाइड्स होता है तो स्लोप्स काफ़ी स्टीप हैं कुछ जगह पे, और फ्रजाइल मटेरियल होने के कारण ये जो है ये वहाँ पे मटेरियल जो है वो शेड स्ट्रेंथ छोड़ेगा अपनी कम होगी उसकी और लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस हैं और ये फॉल्ट लाइंस भी स्टडीज करना बहुत जरूरी है हालांकि हमने जो फुटहिल्स एरिया में हमने इसकी मैपिंग की है ये एरिया में हम नहीं कहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे इस एरिया में करना जरूरी है हमने दिया नहीं है हो सकेगा तो ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे कि हायर हिमालयाज में और लेसर हिमालयाज में हमको फॉल्ट मैपिंग करनी चाहिए आपको तो लगता है सर जो आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किया है जिस एरिया को स्टडी किया है इस स्पेसिफिकली एरिया को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल करना जरूरी है क्योंकि हमारी जो रोड्स और टनल्स बन रही है वो हायरअप्स में ज़्यादा है हायर हिमालिया में और लेसर हिमालिया में ज़्यादा हम लोग की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे घाटी ज़्यादा है करके ठीक है और इसी वजह से हमारे रोड्स भी हैं और आई दिनों हम लोग ये सुन रहे हैं कि फोर लेन हाईवे बना या रोड चौड़ी की गई टनल्स बनी वो कलेप्स हो गई ये हुआ तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि उसमें पुख्ता हमारे पास एविडेंस होनी चाहिए कि क्या यहाँ पे क्या हो सकता है और कंस्ट्रक्शन किस तरह से होना चाहिए देर आर वेज टू डू कंस्ट्रक्शन साइड आपने फॉल्ट लाइन्स की बात करी एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इसमें फोकस करके दिखाए सर इस पूरे एरिया में जहाँ पर ये टनल वाला हादसा हुआ क्या यहाँ से भी फोर्ट लाइन जा रही हैं और अगर जा रही हैं तो ये अगर देखेंगे स्क्रीन पे तो मेरा कर्सर मैं बता रहा हूँ ये ये सल्कियारा एरिया है आपके इसके बिल्कुल करीब फॉल्ट लाइन दिखाई गई है करके ये काफ़ी ओल्ड मैप है और ये स्ट्रक्चरल मैप uh, हम लोग कहते हैं इसको बनाया गया है तो फॉल्ट लाइन यहाँ पे मार्क की है लेकिन ये कितनी एक्टिव है वो जानना बहुत जरूरी है और इसके सरफेस एक्सप्रेशन क्या हैं वो भी जानना ज़रूरी था और तो हो सकता है कि इसको कंसिडर किया गया हो लेकिन अगर ये हुआ है हादसा तो क्वेश्चन यही उठता है क्या इसको कंसिडर किया गया था कि नहीं किया गया सर फॉल्ट लाइन्स जो आपने बताया कि एग्जैक्टली फॉल्ट लाइन्स क्या होती हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्या इस पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और अगर नहीं तो किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए फॉल्ट लाइन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन देखिए फॉल्ट लाइन्स हम लोग ये कहते हैं जहाँ पे जो वीक जोन्स हैं जो uh, मतलब पत्थरों के बीच में हम लोग लेमैन लैंग्वेज में, में कहेंगे तो uh, दो ब्लॉक्स के बीच में एक uh, सतह है जहाँ पे स्लिप होना मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो मूव करेगा अर्थक्वेक के टाइम पे जब और किसी भी चीज को आप दबाओगे तो वो स्लिप होगी आगे जाके ठीक है तो वो ये फॉल्ट लाइंस वो वीक जोन हैं जहाँ पे फ्यूचर में अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं और ये रीजन ऐसा है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए उत्तरकाशी का भी अर्थक्वेक इसी जोन में था जो उन्नीस सौ बानवे या आया था तिरानवे में तो वो वाला भी इसी एर इसी जोन में था तो ये एरिया Uh, काफी uh, uh, मतलब हम लोग कहें कि प्रोन एरिया है अर्थक्वेक्स के लिए और फॉल्ट लाइंस अगर हम लोग एक्टिव फॉल्ट लाइंस कहते हैं तो वो एक्टिव फॉल्ट लाइंस हमारा डेफिनेशन ये है कि जिस फॉल्ट लाइन में पिछले दस वर्ष दस हजार वर्षो में भूकंप आए हैं और वो स्लिप हुआ है मतलब ये मूवमेंट लगा ऐसे होगा मतलब ये मूवमेंट आपका होगा तो इसके ऊपर कुछ भी मकान बने होंगे कुछ भी बना होगा टनल हो रोड हो वो टूटेगा करके वहां पे ठीक है तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है और दस हजार वर्ष में आए हैं और फ्यूचर में आने की संभावनाएं हैं वो पक्का है तो उसको हम लोग कहते हैं कि फॉल्ट लाइन एक्टिव फॉल्ट लाइन मैपिंग एक्चुअली अगर ध्यान नहीं रखेंगे कंस्ट्रक्शन पे लाइंस का तो इसी तरीके के हादसे होते रहेंगे ये कहना है आईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक का जिनका कहना है कि आने वाले समय में भी, भी अगर कंस्ट्रक्शन हो और फॉल्ट लाइंस के आसपास हो तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए और नॉर्म्स के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला कानपुर